ए गाइस, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। तो गाइस, अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई ना कर पाया हूँ तो बहुत सॉरी, है ना। और प्लीज़ इसको मतलब ऐसे मत लीजिएगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। मैं अपनी कोशिश, बेस्ट कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि आई एम LDC, है ना, तो टाइम भी बहुत कम होता है, यही टाइम मिल पाता है। साथ में मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। और जो भी टाइम मिलता है मैं हेल्प करना चाहता हूँ, है ना। और मैं थोड़ा घर से दूर रहता हूँ, तो इसलिए टाइम काफ़ी फ्री होता है मेरे पास, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना मिला हो तो सॉरी। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि SSC MTS Tier 2 पेपर लीक हो गया क्या। तो गाइस, जैसा कि ये जो सब न्यूज़ चल रही है, सब फेक न्यूज़ हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल सर्च किया, बात की बहुत सारे लोगों से, है ना, और मीडिया वीडिया में भी जो है ये चीज़ नहीं आई है अभी तक, है ना। और मैंने न्यूज़पेपर से भी बात की थी। तो गाइज, इस बारे में बहुत ना कोई कंप्लेंट रिपोर्ट हुई है, कोई फाइल जो FIR है वो भी लॉन्च नहीं हुई है कहीं पे। तो गाइज, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। और आप पूछ रहे हैं कि कैंसिल होगा, तो गाइज पेपर कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र होके अपनी तैयारी कीजिए, अगर और जो है आप आगे वाले एग्जाम के लिए फोकस कीजिए। जो हो गया सो हो गया, वो जो होगा आगे देखा जाएगा उसका, है ना। जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वो सबके लिए आएगा, तो उस सबके लिए जो बीत गया उसके लिए छोड़िए, आगे वाले पेपर के लिए सोचिए। गाइस, आप सब लोग कह रहे थे कि नीतू मैम ने भी, मैंने एक वीडियो डाला था कि जिसमें नीतू मैम ने मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया, तो गाइस वो बहुत बड़े वीडियो का पार्ट था, जिसमें मैडम ने बहुत सारे टॉपिक्स पे कहा गया है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने निकाल के यहाँ पे अपलोड कर दिया था, है ना। तो गाइज, ये पेपर कोई लीक नहीं है ना। अब आप पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर कैसे आया, लोगों के पास सब ओरिजिनल, मेरे से कमेंट कर रहे थे कि ओरिजिनल पेपर से एनालाइज कर रहे हैं, सब ओरिजिनल पेपर बाहर है, लीक हो चुका है ना। तो गाइज, होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपने सुना होगा कि उनके भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और वो भी अपने पेपर वापस से रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो जो पेपर है वो सिर्फ एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, और आंसर शीट जनरली चेक हुआ करती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मैंने भी पेपर दिया था लोकसभा वाला, तो उसका जो पेपर का, लोकसभा वाला जो पेपर आता है, मेरे दोस्त वो बाहर लेके आ गया था, उसने अपना पेपर तो जमा कर दिया, दूसरे का पेपर उठा के ले आया था वो। तो अब वो दूसरे का था या उसी का था, तो उसने बताया कि मैं दूसरे का लेके आया हूँ, जो भी है ना। लेकिन वो पेपर बाहर ले आया था, तो पेपर तो वो भी आउट हो गया एक तरह से, है ना। और वो सबको वेबसाइट पे डाल दे, कहीं भी डाल दे, उसने मेरे को व्हाट्सअप भी किया था वो पेपर सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ तक कि उसने मेरे को दिखाया भी था, फिर बाद में उसने मेरे को पेपर दिखाया। तो गाइस, पेपर बाहर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर का इतना बड़ा इशू नहीं होता। आंसर शीट बेसिकली उन्हें जमा करनी होती, पेपर वो एक जमा बंद करके रख देते, क्योंकि मैंने भी एक बार एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो उसमें मैं था, तो इसी वजह से मुझे पता है, इन सब चीज़ों का आइडिया है, ठीक है गाइस। और दूसरे सब लोग डाल ले कि पेपर लीक है ये सब, तो गाइस कुछ तो वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ फर्जी न्यूज़ डाल देती हैं ऐसे ही, ताकि उनके उस पर व्यूअर्स बढ़ सके, उनके वेबसाइट जो उन पर विजिट बढ़ सके, और एडवर्टाइजमेंट का उन्हें फ़ायदा मिल जाए, एडवर्टाइजमेंट क्लिक्स हों और वो सब, ट्रैफिक बढ़े, है ना। तो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा ढूंढ के, जब इस चीज़ पे मैं फाइनल पहुंचा, तब मैंने इस पे वीडियो बनाई है, वरना मैं पहले भी वीडियो डाल सकता था कि हाँ, वीडियो लीक, पेपर लीक हो गया। तो गाइस, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। वैसे भी ये आपके हाथ में नहीं, नोटिस आएगा, सबके लिए आएगा, ठीक है। आप SSC CHSL का एग्जाम आ रहा है, उस पर फोकस कीजिए। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा, ये भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि बच्चे नहीं दे पाए एग्ज़ाम MTS Tier 2 का। तो गाइज, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जो गलती है, एक्चुअली हुआ क्या है कि कोई एग्जामिनर ने नहीं रोका, कोई स्कूल ने नहीं रोका। इसमें जो वीडियो सामने आ रहा है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि वो रेल लेट थी, इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए, सैकड़ों बच्चे नहीं पहुंच पाए। तो गाइज, उसमें थोड़ा सा भीड़ इकट्ठी की गई, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि वो ओरिजिनल भी हों, एस्पिरेंट्स भी हों। लेकिन गाइज, आप खुद सोचिए, अगर आपका एग्ज़ाम अगले दिन होना है, तो आप ऐसी ट्रेन से निकलेंगे ना जिससे आप टाइम से पहुंच सकें या बस से, क्योंकि हर किसी के लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है, अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो जो लेट हुए हैं उनकी, वो अपना पर्सनल फॉल्ट है। यहाँ तक कि मैंने भी, अगर पेपर देने कहीं जाता था तो मैं भी कोशिश करता था कि कम से कम अगर ट्रेन 5 घंटे लेट हो जाएगी, 7 घंटे, तो मैं भी कोशिश करता था टाइम से पहुँचने की, है ना। हो सकता है कि उनका इसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं भी हो, ट्रेन थोड़ा लेट हो गई हो। तो गाइज, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको सीरियस लिया कीजिए, और अपना टाइम से
सेंटर पर पहुँच जाया कीजिए, है ना। और जो न्यूज़ आ रही थी कि टायर पेपर लीक हो गया है ये सब, तो कुछ लोगों का पेपर ख़राब हो चुका होगा, तो इस तरह से वो इसको और ज़्यादा फैला रहे हैं, जिससे कि जो है पेपर कैंसिल हो जाए, उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। लेकिन पेपर कैंसिल जब भी होगा, जब लीक हुआ होगा, एक्चुअली पेपर लीक हुआ ही नहीं है, है ना। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच मतलब जो इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, दोस्तों को पूछा मतलब पूछ के, और जो एडिटर हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर के, उनसे सबसे बात करके कि कहीं कोई कंप्लेंट तो फाइल नहीं हुई, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और अगर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए भविष्य में नया नोटिफिकेशन आ जाएगा SSC की तरफ से, और वो एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करेंगे। वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, आप बेफिक्र रहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है गाइज। अब मेरे पास जो और कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं कैसे करूं, मैं क्या कोई एग्ज़ाम ऐसा है जो मैं क्लियर कर सकता हूं, या मेरे मैथ्स वीक है, मैं SSC कैसे क्लियर करूं, कितना टाइम लगेगा। तो गाइस कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती, या मैथ्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना। उसमें सिर्फ आप GS और इंग्लिश पढ़ के, GS में भी कुछ स्पेशल सेक्शंस होते हैं जिनको पढ़ के आप इजीली एक अच्छी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, है ना। तो गाइज 8 से 10 एग्ज़ाम है जो एक एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर कर सकता है, तो गाइज मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तब, अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो चाहिए, अगर आप इसमें चाहते हैं कि, तो लिख दीजिएगा यस कमेंट सेक्शन में, यस लिख दीजिएगा। अगर सही अमाउंट में लोग होंगे कि हाँ जिन्हें सीरियसली ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ्स में शायद कम ही लोग वीक होंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और गाइज एक और बहुत ज़्यादा वो आ रहा था कि SSC CHSL 2016 की फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है। तो गाइज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने CHSL 16 वाला प्री जो है, जिसकी मेरिट जो आपने प्रेडिक्ट की थी, जो आपने बताई थी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे बताया, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, इतनी हाई CHSL कट ऑफ, तो उस पर सब लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे 140 जाएगी, 160 जाएगी, 135 जाएगी। तो उस पर मैंने बताया था कि गाइज जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाएगी, और जनरल कैटेगरी की 125 से 130 के बीच में जाएगी। और गाइज कट ऑफ उसी में गई थी, 126.5 गई थी जनरल की, और बाकी कैटेगरीज जो है वो सेम गई थी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप जो है CHSL 16 पे भी एक वीडियो बनाइए कि उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो गाइज एक्चुअली हुआ ये था कि जब जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, तब मैं एग्ज़ाम भी दिया था और दूसरा एनालिसिस भी किया था, बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, जिसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया था, और जिसका रिजल्ट मतलब कि जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मैंने बताया था, वो बिल्कुल सही भी था। मैं एक्चुअली जेन्युइन चीज़ें देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने काफ़ी वो उसके बाद फिर मेरे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, जहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मेरे को टाइम कम मिल पा रहा था, इसलिए मैंने चैनल पे वीडियोस डालना बंद कर दिए थे। मैं बहुत थोड़ा बिजी हो गया, क्योंकि आप नई जगह कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा आपको नए माहौल में फिट होने के लिए भी टाइम लगता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। तो मेरे को टाइम कम मिल पा रहा था, मैंने वीडियोस बनाना भी बंद कर दिए थे, इवन मैं वहीं पर वो हो गया था, तैयारी भी कर रहा था थोड़ा, टाइम इसलिए कम मिल पाता था। तो उसके बाद जो है अब फिर मैंने यहाँ पे CHSL वाला जो एग्ज़ाम है इस पर देखा भी, ज़्यादा गौर नहीं किया, तो इसलिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि अभी कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने लोगों ने अच्छा टायर टू दिया है, टायर टू नहीं दिया है। तो इसलिए गाइस थोड़ा मैं एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और हो सकता है कि मैं डालूँ भी ना इस पर वीडियो ना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा टाइम और लगता है तो मैं बात करता हूँ लोगों से, और जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस बार भी एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था 2015 वाले में और 2016 वाले में। मैंने भी क्लियर किया था 2015 वाला, 16 वाला टायर 1 क्लियर किया था, टायर 2 दिया ही नहीं मैंने, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ और उस पर एनालिसिस करके एकदम आपको जेन्युइन चीज़ें भी देना चाहता हूँ मैं, तो कोई भी जेन्युइन चीज़ होगी वो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा पूरा उसको आंसर करने की। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स पे ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें मैथ्स के बिना गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा यस। अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ कमेंट्स होते हैं तो मैं पक्का एक वीडियो बनाऊँगा, जो कि आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है गाइज। और आप कोई भी बात कहना चाहते हो, कुछ कैसी भी हो बात, कुछ डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।